हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो? डस्टर दिखाना। तो बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना। लेकिन बच्चों देखो, आपको तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना तो सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप पर आप बहु का नियम आना चाहिए, क्योंकि आप बहु ने क्या बताया था बच्चों? इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, ये बताया था भाई बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आप बहु का नियम ही बना लेता हूँ। देखो बच्चों, बनाने के लिए कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इसमें तुम्हें हाथी घोड़े जोड़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल बनाने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपको पहली लाइन खींचनी है वन वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन से लेकर सेवन तक खींच दो भाई, इस प्रकार तो लिख सकते हो आप। फिर बच्चों आपको स्टार्ट करना है टू से। किस से स्टार्ट करना है भाई? टू से, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है भाई बच्चों। फिर बच्चों आपको स्टार्ट करना है थ्री से। किससे स्टार्ट करना है? थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। फिर बच्चों आपको स्टार्ट करना है फोर से, फोर फाइव सिक्स सेवन, इस प्रकार बच्चों आपको लिख लेना। सबसे पहले प्रोसेस ये होगा वन वन, फिर टू थ्री फोर, इस प्रकार लिख लेना है। फिर बच्चों आपको क्या करना है, पहले वाले को एस एस दे देना है, एस 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 एस। दूसरे वाले को बच्चों आपको पी पी दे देना है, पी 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 पी, ओह सॉरी सॉरी भाई बच्चों, इसको क्या देना है भाई? डी डी दे देना है, डी 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 डी। और इसको क्या देना है बच्चों? एफ एफ दे देना है। क्या दे देना है? एफ एफ दे देना है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएंगे, इसमें आने के बाद में फिर इसमें आएंगे भाई, ये बस ये लिखने का बस प्रोसेस होता है। और इसमें भाई ऐसा कुछ खास नहीं है कि तुम्हें कुछ खास नज़र आ रहा है भाई, ये तिरछे बंके से देखकर सब घबरा जाते हैं भाई। मैं भी घबरा गया था जब मैं 11th 12th में था, मैं भी घबरा जाता था, लेकिन अब मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं भाई, मैंने साथ में सीख लिया था भाई ये। फिर क्या करना बच्चे, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं तो फिर पीछे जाएंगे घूमकर, फिर इसमें आएंगे घूमकर, फिर पीछे जाएंगे घूमकर, फिर इसमें आएंगे, फिर पीछे जाएगा, फिर इसमें आएंगे, फिर पीछे जाएगा, फिर इसमें आएंगे, तो इस प्रकार आपको लिख लेना। ठीक है भाई बच्चों, सही में आएगा भाई, इस प्रकार आप कर लियो भाई, इसको पूरा कंप्लीट कर लियो, करियो ना करियो। तो अब बच्चों इसके अनुसार हम क्या निकालेंगे? तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करें। लेकिन बच्चों उससे पहले भी आपको क्या पता होना चाहिए, उससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए एस एस में कितने कितनी कक्षक होती है? एक। पी में कितनी कक्षक होती है बच्चों? तीन। और डी में कितनी कक्षक होती है बच्चों? पांच। और एफ में सात। और बच्चों हमें से याद रखिए, एक कक्षक में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? दो। कितने जा? एक कक्षक में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर तीन कक्षा का तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सके? छः भाई। एक कक्षा है इसमें, एस में एक कक्षा है, कितनी कक्षक होती है? एक। इसलिए एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? दो। तो इसलिए एस के ऊपर बच्चों हम टू लिख सकते हैं, एस के ऊपर वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मैक्सिमम दो ही तो जा सकते, कम से कम तो एक भी हो सके, ना भी हो सकते, सही हमारा। पी में, पी के पास कितनी कक्षक होती है? तीन। तीन में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम? छः। तो पी सिक्स, कम भी तो हो सकता है, पी फाइव भी हो सकता है, पी फोर भी हो सकता है, पी फाइव भी, पी थ्री भी हो सकता है, पी टू भी हो सकता है, पी वन भी हो सकता है, पी जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते भाई, सही हमारा भाई। इसी प्रकार बच्चों डी में कितनी कक्षक होते हैं? पाँच। पाँच में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? दस। तो मैक्सिमम दस जा सकता है, नाइन भी हो सकता है, एट भी, इस प्रकार। एम में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम? चौदह। ठीक है भाई बच्चों, अब जैसे बच्चों अगर मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विन्यास सोडियम का, किसका निकाल रहा हूँ बच्चों? सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर रहा है भाई मैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है भाई 11। कितना होता है बच्चों? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना बच्चों मुझे, क्या ज्ञात करना है? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सोडियम का, Na का। तो सबसे पहले बच्चों इसके पास जाओ, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लेगा रही है, S वाला कितने ले सकता है इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? दो। तो वन एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चों? दो। फिर बच्चों आ रहा है घूमकर, फिर आ रहा है, आ रहा है, फिर इसके पास आया एस के, एस वाला ही तो बच्चे, लेकिन कौन सा? दूसरे वाला। तो टू एस, इसके पास कितने जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन। फिर आया भाई पीछे गया घूमकर, फिर इसके पास आया पी के पास, इसके पास कितने जाएंगे बच्चों? छः जा सकते। कितने जा सकते हैं? छः। फिर इसके पास आया किसके, कितने जाएंगे बच्चों?
दो जा सकते हैं भाई, दो तो जा सकते हैं, लेकिन कितने हो रहे बच्चे, दो चार और छः कितने हो गए, दस और दस और दो बारह हो रहे, लेकिन हमारे पास कितने थे, ग्यारह, तो इसलिए इसके पास कितने जाएंगे, एक स्वयं आ गया बच्चों। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते। जैसे बच्चों ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना हमें, तो 1s2 इसके पास दो गए, फिर 2s2 इसके पास दो गए भाई घूमकर, फिर इसके पास 2p4 भाई दो इसके पास, दो चार और चार आठ, स्वयं आ गया, क्लियर होया। इसी प्रकार बच्चों क्लोरीन का, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, तो 1s2 सबसे पहले इसके पास गए, दो इलेक्ट्रॉन घूम कर आए 2, फिर इसके पास आए दो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2s2, फिर घूम कर इसके पास आए कितने आ गए 2p6, फिर घूम कर इसके पास आए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों 3s2, फिर घूम कर इसके पास आए, इसके पास कितने आ गए 3p, भाई कितने 6 आते हैं, लेकिन पहले गिन लो, दो और दो चार और छः दस हो गए, दस और दो बारह और छः 18 हो रहे, लेकिन 18 तो कम ज़्यादा हो रहे, 5 आइएगा, फिर 12 और 5 17, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 17 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते हो। लेकिन बच्चों अब मैं आपको इसी के आधार पर भाई बच्चों देखो तो तुम कितने तक भी निकाल सकते हो, 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट मेथड सीखना है इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने का, तो अब देखो ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड से बच्चों आप 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर होगा सबका, इसको उतारो भाई पहले, चलो उतार लिया भाई, बाद में उतार रखा होगा यार, उतार लेना। तो बच्चों अब मैं आपको सिखाऊंगा ट्रायंगल मेथड, क्या सिखाऊंगा बच्चों ट्रायंगल मेथड, क्या सिखाऊंगा बच्चों ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड बच्चों आप पर आना चाहिए भाई। पी में कितनी कक्षक होती है बच्चों 3, डी में कितनी कक्षक होती है, एफ में कितनी कक्षक होती है 7 कक्षक होती है। ट्रायंगल मेथड से बच्चों हम 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। ट्रायंगल बना लो बच्चों अपना, क्या बना लो ट्रायंगल, एक बीच में लाइन खींच दो, यहाँ पर 1 आएगी भाई पहली लाइन है तो 1s, यहाँ पर क्या आएगा 2s भाई दूसरी तो 2p, फिर यहाँ पर तीसरी तो बच्चों कौन सी तीसरी तो यहाँ पर 3s, फिर डैश लगाओ 3p, फिर बच्चों बस यहाँ बीच में 4s ले लियो, क्या ले लियो 4s और 3d। तो इस प्रकार बच्चों आप 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करोगे। देखो कैसे, सबसे पहले भाई अगर मुझे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना, किसका ज्ञात करना है ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के 8 होते हैं भाई, दो इसके पास गए 2 1s2, फिर दो इसके पास गए ये भी ऐसा वाला 2s2 भाई, ऐसे में कितने जाते हैं 2 जाते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ठीक है भाई, तो ऐसे में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2, फिर इसके पास कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन ज़्यादा हो रहे 2 और 2 4 और 6 10 हो रहे, लेकिन है उसके पास कितने 8, तो 4 जाएंगे ठीक है। इसी प्रकार बच्चों मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना, मैग्नीशियम कितना आता है 12, तो 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन भाई एस वाले के पास मैक्सिमम 2 जाएंगे, अगर है तो, अगर एक है तो एक जाएगा, नहीं है तो नहीं भी जाएगा ठीक है, मैक्सिमम तो 2 इसके पास गए 1s2, 2 इसके पास गए 2s2, इसके पास कितने जाएंगे 6, कितने हो गए 10 हो गए, और फिर किसके पास आएंगे 2 इसके पास है, कितने हो गए 12 हो गए ठीक है। इसी प्रकार बच्चों कैल्शियम का निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन विन्यास, निकाल लो भाई 2 इसके पास गए 1s2, 2 इसके पास गए 2s2, 6 इसके पास गए 2p6, 2 इसके पास गए 3s2, 20 हो गए भाई पूरे ठीक है, 20 हो गए पूरे, 20 हो गए क्या, कुछ भी नहीं है, 3 इसके पास जाएंगे कितने हो गए 18 और 2 इसके पास जाएंगे 20 हो गए ठीक है। तो इस प्रकार होगा ठीक है भाई बच्चों। इसी प्रकार बच्चों Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करो, Fe का कितना होता है 26, तो 2 इसके पास जाएंगे 1s2, 2 इसके पास जाएंगे 2s2, 6 इसके पास जाएंगे 2p6, फिर 2 इसके पास जाएंगे 3s2, फिर इसके पास जाएंगे 3p6, फिर इसके पास जाएंगे 4s2, फिर कितने बच गए 6, तो 3d6। तो इस प्रकार बच्चों इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात कर सकते हो आप ट्रायंगल मेथड से, समझ में आ गया बच्चों, उतारो इसको।